अभी तक आपने सुना है, 13 साल की अथक परिश्रम से पांडवों ने खांडव के बीहड़ क्षेत्र को एक शानदार महल में बदल दिया है। पांडवों का नया इंद्रप्रस्थ राज्य स्थायित्व पा गया तो उन्होंने कुछ दिन बाद राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी दिशाओं में राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिए। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर आदि को बुलाने के लिए स्वयं नकुल हस्तिनापुर गए। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र को अति प्रसन्नता हुई, परंतु दुर्योधन चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर से सभी परिजन राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। स्वयं दुर्योधन भी आया। इंद्रप्रस्थ में आकर दुर्योधन ने जब पांडवों की संपन्नता को देखा तो वह ईर्ष्या से जल उठा। दुर्योधन और शकुनी दोनों भौचक्के से सभा भवन के वैभव को निहार रहे थे। दुर्योधन ने कहा, मामाश्री, ऐसे दिव्य दृश्य तो हस्तिनापुर में भी देखने को नहीं मिलते। देखते चलो भांजे, यह नगरी तो माया नगरी के समान दिखाई पड़ रही है। दुर्योधन आगे बढ़ा तो मामा शकुनी ने टोका, भांजे वस्त्र ऊपर कर लो, सामने पानी है। दुर्योधन ने वस्त्र ऊपर कर लिए, लेकिन वहां पानी नहीं था, पानी का भ्रम था। दुर्योधन मन ही मन लज्जित हुआ और उसने अपने उठाए वस्त्र नीचे कर लिए। वह आगे बढ़ा, वह पूरे आत्मविश्वास से चलने लगा। तभी उसकी दृष्टि मणियों से बने सुंदर कमल पर पड़ी। दुर्योधन को लगा कि यह भी भ्रम है। उसने कदम आगे बढ़ाया तो वह छपाक से जल में गिर पड़ा। दुर्योधन की दशा देखकर पांडु कुमार हंसने लगे। इसी हंसी के बीच द्रौपदी का स्वर सुनाई दिया, अंधों के घर अंधे ही पैदा होंगे। दुर्योधन अपने इस उपहास को सहन नहीं कर सका। उसने द्रौपदी की ओर देखा। झरोखा में खड़ी द्रौपदी हंस रही थी। वह बौखला गया। शीघ्रता से वह पानी से बाहर आया। लज्जावश उसने सामने दिखाई पड़ रहे एक दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, किंतु हड़बड़ी और तेजी में आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि वह एक दीवार से जा टकराया। वह दरवाजा नहीं था। दरवाजे के चित्र से टकराकर दुर्योधन चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। दुर्योधन की दशा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। गहरे अपमान से उसका माथा फटा जा रहा था। वह शकुनी से बोला, मामाश्री, ऐसे अपमान से तो मर जाना अच्छा है, आप चलिए यहां से। धीरज रखो भांजे, शकुनी ने उसे समझाया, यह समय ईर्ष्या और क्रोध का नहीं है। पांडव सदैव अपने भाग्य का ही प्राप्त करते रहे हैं। जिसके सहायक श्री कृष्ण हैं, उसका देवता तथा असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, महारथी कर्ण, कृपाचार्य जैसा वीर और कुटिल चालों में माहिर तुम्हारा यह मामा शकुनी तुम्हारे साथ है। समय की प्रतीक्षा करो भांजे, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पांडवों पर विजय पाने के लिए केवल युद्ध ही नहीं, जीत के लिए और भी उपाय हैं। कैसा उपाय मामाश्री? दुर्योधन ने बेचैनी से पूछा। बताता हूँ, वह ऐसा उपाय है जिसमें शकुनी ने आज तक किसी से हार नहीं मानी। शकुनी पासों को हथेली में बंद करके बोला, भांजे, महाराज युधिष्ठिर को जुए का बहुत शौक है, लेकिन वे स्वयं इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तुम उन्हें जुए के लिए आमंत्रित करो, मैं इन्हीं पासों से उसका सारा वैभव और सुख संपन्नता छीन लूंगा। यदि द्यूत क्रीड़ा के लिए उन्होंने मना कर दिया तो दुर्योधन ने धीरे से पूछा। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा के लिए कभी मना नहीं करेगा, शकुनी ने उसे समझाया। अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हें समझाना होगा और हर हाल में उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाना ही होगा। तुम उन्हें समझाओ कि मामाश्री से बड़ा चौसर का खिलाड़ी तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। अगर पिताश्री नहीं माने तो फिर तुम अनशन करने बैठ जाना, शकुनी ने उसे उकसाया। तुम उनसे कहना कि अगर आप पांडवों को नहीं बुलाएंगे तो मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे यह भी कहना भांजे कि तुम्हारी जगह चौसर की बाजी पांडवों से मैं खेलूंगा। ऐसा ही कहूंगा, दुर्योधन उठ खड़ा हुआ।
बाद में शांति के साथ दुर्योधन, शकुनी और अन्य बंधु बांधव युधिष्ठिर का राजसूय देखकर वापस लौट आए। परंतु मामा शकुनी और दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अपमान का बदला लेने का भाव बना ही रहा। सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मान लिया था और उन्हें अमूल्य उपहार भेंट किए थे।